DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना महामारी के अंदर बरसाती ऋतु आने वाली है और संक्रमण का खतरा बराबर फैला हुआ है अजमेर में। आज भी नगर निगम के प्रशासन द्वारा जो सफाई नालों में उतरे हुए कर्मचारी हैं, इनको प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मास्क है, किट है, बूट है, इस तरह की किसी भी प्रकार की सुविधा अभी तक दी नहीं जा रही है। हमने भी पूरे अजमेर शहर का भ्रमण करा है, लोगों के पास में हाथ में पहने ग्लव्स लिए हो, पन्नियों पैंट पहन कर अपना काम कर रहे हैं। इस चीज़ से अगर किसी व्यक्ति कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इसका उत्तरदायी नगर निगम प्रशासन रहेगा, और अगर नगर निगम प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता है और कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है तो आगामी रूप से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस विशाल धरना प्रदर्शन कर जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम अजमेर की होगी। लगभग अजमेर के अंदर 300-400 कर्मचारी लगे हुए हैं जगह जगह नालों में। कितने दिन से सफाई कर रहे हैं? ये करीबन 2 या 3 दिन इनका प्रारंभ हो चुका है, कई नाले साफ हो चुके हैं। उन सभी नालों में अस्थायी कर्मचारी भी हैं और अस्थायी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। और लोगों को समझाता है कि उनका परिवार कैसे होगा, कैसे चलेगा? किसी प्रकार की नगर निगम को इनकी सुध लेने की चिंता नहीं है कि इनकी अगर कल को इनका कुछ हो जाता है कि बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उन्होंने किसी प्रकार की सुविधाएं इन कर्मचारियों के लिए नहीं कर रखी है। अपना नाम? मेरा नाम अनिल गोयर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिलाध्यक्ष।